सीएससी डीजीपी में भी न्यू अपडेट आ गया है। अब मोबाइल एप्लीकेशन ऐप में भी आप लोग मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, और तो और एसबीआई बैंक का भी देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, और 9 से 10 ट्रांजैक्शन इसमें आप लोगों का आ जाएगा। तो चलिए कैसे करना है इसके बारे में आज बता देते हैं, और कोई भी एरर आता हो आपका मोबाइल में जैसे नहीं हो पा रहा हो तो क्या करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बता देंगे, कोई भी एरर आता हो जिसके कारण से आप लोगों का नहीं हो पा रहा तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह हम न्यू वीडियो लाते रहते हैं अपडेट वीडियो। तो चलिए आज आप लोगों को लाइव करके दिखा देते हैं, पहले तो मिनी स्टेटमेंट चेक करके दिखा देते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम बता देते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है जिसके कारण से आप लोगों का ये नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन बता देते हैं। तो चलिए हम डीजीपे ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लिए, देखिए यहाँ पे आप लोगों को शो करता होगा मिनी स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, तो आप लोग अगर बैंक सेलेक्ट करते होंगे तो आपका नहीं होता होगा, तो उसका भी प्रॉब्लम आज बता देंगे, अगर हो जाता तो ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टेट बैंक का हम करके दिखा देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार नंबर डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे शो करने लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो लाइव करके दिखा दिया आप लोगों को। चलिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इसमें जानकारी दे देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में देखिए यहाँ पे 100 रुपया दिख रहा है, मतलब 100 रुपया नहीं यहाँ पे 1 रुपया है, मीन्स कहने का मतलब है कि 2 जीरो आप लोग छोड़ के काउंट कीजिएगा उतना बैलेंस है आपका। जैसे इसमें देखिए 2 जीरो हम हटा देते हैं तो मेरा 4500 हो गया, मतलब 4500 रुपया मेरा डेबिट हुआ है सेकंड नंबर में जो हुआ है 24/11/2020 डेबिट हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो 4500 रुपया हुआ ना कि 4,50,000। इसमें 2 जीरो आप लोगों को हटा देना है, उसके बाद कौन गिनती करना है कि कितना रुपया है, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया, ब्लूटूथ द्वारा आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ द्वारा, स्लिप निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा अपडेट आ गया है, बहुत लेट से आया लेकिन बहुत अच्छा अपडेट आया है। चलिए आप प्रॉब्लम के बारे में बता देते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम आता हो इसमें तो आप लोग ऐप्स को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर ले, एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर ले, फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर ले ऐप्स को, बस आपका जितना भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरा भी इसी तरह हो रहा था, अपडेट किए तो नहीं हुआ, फिर से हम अनइंस्टॉल किए ऐप्स को, स्विच ऑफ किए, ऑन किए, फिर से इंस्टॉल किए और इंस्टॉल किए, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किए, तो मेरा वर्क करने लगा। अगर ये रूल अप्लाई कर लीजिएगा आपका प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा डीजीपे में।